बहुत ही दुखद घटना सामने आई है, वो भी कन्नड़ एक्टर, वो भी बहुत ही मंझे हुए कलाकार अंबरीश जी हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं। जी हाँ, कन्नड़ के वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर अंबरीश जी का आज निधन हो गया है। चलिए बिना देरी करे मैं आपको खबर पे लिए चलता हूँ, और बहुत ही शॉकिंग खबर है ये। अंबरीश कनाडा एक्टर एंड फॉर्मर पॉलिटिशियन डाइज इन बेंगलुरु हॉस्पिटल। जी हाँ, कुछ ही देर पहले एक खबर आई है, 66 की उनकी उम्र थी और एक लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ बेंगलुरु के हॉस्पिटल पे। आपको बता दूँ कि किडनी एलिमेंट से कहीं ना कहीं पीड़ित थे, उसके पहले लंग इन्फेक्शन भी उन्हें हुआ था, और बहुत ही ज़्यादा उनकी एज नहीं थी, लेकिन उनका देहांत हो गया। और एक चीज़ आपको बता दूँ जो आपको और भी शॉकिंग लगेगी, आपको और इमोशनल लगेगी, इन्हें रिबल स्टार कहा जाता है, अपने टाइम का रिबल स्टार कहा जाता था, और इसीलिए जो एक नई फिल्म आ रही थी KGF नाम की, इसमें यश ने भी उन्हें बुलाया था। ये सामने जो आप नज़र आ रहे यही है अंबरीश जी, और इन्होंने ही KGF का लॉन्चिंग की थी और ट्रेलर की, और अब करीबन करीबन कुछ ही 8-10 दिन के बाद उनका निधन हुआ। ये खबर जब सुनने में आई, पूरा की पूरी कन्नड़ा इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फिलहाल सदमे में है। जी हाँ, बहुत ही अच्छे, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, और 70 के दशक में जिस तरह से अमिताभ बच्चन को एक्शन हीरो या उस तरह का एक तरह एंग्री यंग मैन कहा जाता था, उस तरह का रोल इन्होंने भी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में निभाया है। और आपको बता दूँ, इनका कैरियर ना केवल एक्टर बल्कि पॉलिटिशियन के हिसाब से भी काफ़ी लंबा रहा है। अब आपको अगर फिल्मोग्राफी इनकी बता दूँ तो आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी एक्टर के बारे में। पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी अच्छा है, इनके अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल जो बताने वाला हूँ वो इनकी फिल्मोग्राफी। बहुत ही ज़्यादा बड़ा इनका कैरियर रहा है, और करीबन करीबन 45 ईयर्स से ज़्यादा इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं। ठीक है, ये देखिए फिल्में 1972 से ही इनकी फिल्में आने लगी सपोर्टिंग रोल, उसके बाद लीड रोल में आने लगे, और उसके बाद आपको बता दूं उनके पास फिल्मों का जखीरा था, और उनके जो रोल हैं वो लोग बहुत पसंद करते हैं। एक एक साल में इतनी इतनी फिल्में करते थे, आप समझ सकते हो कितने बड़े एक्टर का निधन हुआ है। ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ तो इनके और फिल्मों के नाम आप देख सकते हैं, 2018 के बाद 2020 भी उनकी फिल्म थी, कितनी सारी फिल्मों में वो पार्ट थे, और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी दुखद खबर है ये। और इस खबर के बाद बहुत ज़्यादा सदमे में होंगे लोग, और उभरने में उन्हें टाइम लगेगा, क्योंकि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा रत्न खो दिया है, एक बहुत बड़ा जेवल खो दिया है आज। चलिए फिलहाल कितना है?